अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पेज नंबर ये बिना बुक पे आपको मिल जाएगा 125 से लेकर 127 तक का। ये आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। बड़ा ये ना थ्योरेटिकली टॉपिक्स है, कोई मैथमेटिकली फॉर्म नहीं है इसकी आपकी बुक में, तो ज्यादा ये रीड करने वाली बात है। इसके आगाज से अगर मैं शुरू करूं इस चैप्टर के, तो यहां पे क्रिस्टन ने कहा था और एम्पेयर ने ये कहा था कि जब किसी भी कंडक्टर के अंदर से करंट गुजारा जाए, मसलन आपके पास बेटा कोई भी कंडक्टर हो, जब आप उसमें से करंट को पास करवाते थे तो वहां पे क्या पैदा रहता था, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इससे इर्द गिर्द इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता था। लेटर ऑन उन्होंने ये फैराडे एक साइंटिस्ट आया, उसने ये प्रूफ किया अगर करंट देने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, क्या इसका रिवर्स प्रोसेस भी है, ये इसका उल्ट प्रोसेस भी है। उसने फिर इस पे काम किया, अगर किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जैसे आपका मैग्नेट होता है एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, कहते जब किसी भी कंडक्टर को इसके अंदर मूव करवाया जाए ऊपर नीचे और यहां पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाए कोई भी, तो क्या यहां भी करंट पैदा होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है कि आप मैग्नेट की मदद से करंट को प्रोड्यूस करवा रहे हैं, इंड्यूस करवा रहे हैं। मैं फिर इसे दोबारा एक बार रिपीट कर लूं बेटा कि जो एम्पेयर था और यहां पे बुक में मेंशन किया हुआ है क्रिस्टन हंस क्रिस्टन, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये फिनोमेना क्रिएट किया था कि जब किसी भी ये दरियाफ्त किया, डिस्कवर किया था कि जब किसी भी कंडक्टर को करंट दिया जाए तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती थी। लेटर ऑन फैराडे साइंटिस्ट आया, उसने सोचा, इस पर काम किया, उसने देखा अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट पैदा हो जाएगा। उसने इस पे अपने तजवीज पेश की। लेटर ऑन जोसेफ हेनरी एक साइंटिस्ट था हेनरी, उसने ये प्रूफ किया कि ये जो रिवर्स प्रोसेस है ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है। अगर आप करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा करवा सकते हैं तो फिर मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी जनरेट करवा सकते हैं, और वो करंट हमें गैल्वेनोमीटर के जरिए पता चल जाता था। अब जब करंट प्रोड्यूस हो जाए उस करंट की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, या जो मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मैग्नेटिक होता है मैग्नेटिक फील्ड किस तरह काम करता है, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। बेटा जब भी किसी भी कंडक्टर में से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन पास करती है तो वहां से करंट प्रोड्यूस होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड तब तक प्रोड्यूस होता है जब तक करंट की वैल्यू चेंज होती रहे, जब करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी ये मैग्नेटिक फील्ड कभी प्रोड्यूस नहीं होगा। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जब इसको इसका दरमियान बेटा हम कंडक्टर रखेंगे गैल्वेनोमीटर लगा देंगे, यहां पे ये जो नंबर ऑफ लाइंस है ये नॉर्थ से लेकर के साउथ की तरफ जाती है, ठीक है, जब तक ये लाइन पास करती जाए कि इस कंडक्टर से मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इस फिनोमेना को कि एक सर्टन एरिया से मैग्नेटिक नंबर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास करे, एक सर्टन एरिया से जितनी भी मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन पास करें उसको कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स।
और इसकी जो वैल्यू डिपेंड करती है इसकी स्ट्रेंथ पे। अगर मैग्नेट अच्छा होगा तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रॉन्ग होगा बेटा उतनी ही ज्यादा इस कंडक्टर में से करंट को पास करेगा, उतना ही ज्यादा इस करंट में करंट इंड्यूस होगा, प्रोड्यूस होगा। अगर आपका जो मैग्नेट है वो इतना अच्छा नहीं है तो वहां पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी इतना अच्छा नहीं होगा। जो अगर ये वीक है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी वीक होगा, तो यहां से कम नंबर ऑफ आयन पास करेंगे, तो यहां पे जो करंट प्रोड्यूस होगा वो भी कम होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का ज्यादा होना इस बात की निशानदेही करता है कि आपके पास जो करंट है वो भी ज्यादा होगा। अगर हम इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ऑफ फोर्स अगर ये एक दूसरे के ऊपर पेंडिकुलर हो, मसलन अगर आपकी ये बुक है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है ऐसे, ठीक है, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा जो स्ट्रेंथ होगी वो मैक्सिमम होगी। जाहिर सी बात है आपके पास कोई भी कंडक्टर है आपने इसे परपेंडिकुलर रखा हुआ ऐसे, ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन क्या करेंगे पास करेंगे जैसे ये। अगर आपका कंडक्टर से पैरेलल है तो दो लाइन ऊपर नीचे से पास कर जाएंगे, तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स वहां पे क्या होगा वीक होगा। अगर आपकी जो कंडक्टर है ये कंडक्टर है या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है ये परपेंडिकुलर होंगी तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अगर आपका ये पैरेलल होगा और ये भी पैरेलल होंगे तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा कम होगा, मिनिमम होगा, तो फिर वहां पर करंट की वैल्यू भी मिनिमम होगी। बेटा पेज नंबर आपकी जो बुक पे है 126 यहां पे उसने एक्टिविटी भी दिखाई हुई है, वो वही बातें हैं कि आपके पास एक कंडक्टर है वायरस में देख ली गया उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नॉर्थ एंड साउथ के अंदर ऊपर नीचे मूव करवा रहा है, जब वो मूव करेगा तो आप देखेंगे गैल्वेनोमीटर में करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अगर आपका इसकी डेफिनेशन देख ली हो बेटा तो डेफिनेशन 127 पेज के ऊपर सबसे ऊपर द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस करंट इन अ सर्किट बाय चेंजिंग नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट को प्रोड्यूस करवाते हैं, किस वजह से नंबर ऑफ लाइंस को चेंज करके इनकी वैल्यू चेंज करके। अगर ये कांस्टेंट हो जाएंगे फिर आप कभी करंट प्रोड्यूस नहीं करवा सकते, ये जब तक ये चेंज होती रहेगी कम ज्यादा होती रहेगी तब तक ये करंट मूव करता रहेगा। तो ये बेटा आपने याद भी करना है और इसको अच्छी तरह रीड भी करना है, मैं रिवाइज कर दूं तो ताकि कि जब आप किसी भी कंडक्टर को मैग्नेट के अंदर मूव करवा दे तो वहां पे करंट प्रोड्यूस हो जाता है, इस फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, और जो करंट प्रोड्यूस होता है वो मैग्नेटिक नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस की मदद से पैदा होता है जब उसमें से पास करते हैं। तो ये बड़ा टॉपिक, आई होप यू अंडरस्टैंड।